होनी थी शादी, लेकिन शादी से पहले पहुंची पुलिस। पुलिस ने रुकवाई शादी। क्या है पूरा मामला, बताते हैं हम आपको। दरअसल ये अधिकारियों के सामने मौजूद लड़का और लड़की पक्ष के लोग हैं, जिन्हें अधिकारी विस्तार से समझा रहे हैं कि आखिर उनके घर में होने वाली शादी क्यों रुकी। मामला जहानाबाद के काको प्रखंड क्षेत्र के नगवा गांव का है। जिस शाम बारात आनी थी उससे पहले ही पुलिस आ गई। पुलिस के पहुंचते ही गांव में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने बड़े ही संयमित तरीके से नियम कानून का हवाला देते हुए पहले तो शादी रुकवाई और फिर बाद में लड़की और लड़के के परिजनों को जिला मुख्यालय बुलाकर समझाया गया। दरअसल एसडीएम निखिल धनराज निपन्निकर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन द्वारा उन्हें और एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे को पत्र भेजकर सूचना दी गई थी कि पाली थाना क्षेत्र के नगमा गांव में रघुपति बिंद के घर रविवार को बाल विवाह की तैयारी चल रही है। सूचना पर स्थानीय थाना प्रभारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजकर मामले की जांच कराई गई। जांच के क्रम में पाया गया कि लड़की की उम्र महज 14 साल है, जबकि दूल्हे की उम्र सिर्फ 18 साल, जो नाबालिग है। नाबालिग की शादी बाल विवाह अधिनियम के उल्लंघन का मामला होता है। ऐसे में मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने विवाह को रुकवा दिया। उसके बाद लड़की और लड़के के परिजनों को जिला मुख्यालय बुलाकर बाल विवाह अधिनियम के बारे में पूरी जानकारी दी गई। अधिनियम की जानकारी मिलने के बाद लड़की और लड़के के परिजनों ने एक बॉन्ड भरा, जिसमें दोनों ने अपने बच्चों के नाबालिग के स्थिति में विवाह न करने की शपथ ली है। वहीं नाबालिग लड़की की शादी करने को लेकर पिता रघुपति बिंद ने कहा कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं और उन्हें बाल विवाह के रोक को लेकर जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि उनकी 14 साल की बेटी हेमंती कुमारी की शादी कल्पा ओपी क्षेत्र के धनौती मठ निवासी 18 वर्षीय रंजीत कुमार के साथ तय हुई थी। रविवार को शाम बारात आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर शादी रुकवा दी। पुलिस किस लिए लगे? सर शादी, मैंने सुना कि भाई शादी ब्याह हो रहा है, तो खबर दिया कि शादी हो रहा है, तो हम लोग शादी कैंसिल कर दिए कि हम लोग शादी नहीं कर रहे हैं, हमारा घर में कुछ भी नहीं है, शादी का कोई चर्चे नहीं है, तो हम लोग शादी तो कैंसिल कभी कर दिए थे। आज बारात निकलने वाली थी जी? नहीं, दोनों पक्षों की ओर से बॉन्ड भरकर बाल विवाह नहीं करने का संकल्प दिलाया गया। शादी के दिन पुलिस के पहुंचने पर चर्चा जोरों पर है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की सजगता के कारण बाल विवाह रुकने में सफल रहा है और प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले में आगे भी बाल विवाह करने वाले अभिभावकों को सबक मिलेगा। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट। बात समझ में आ गई आपको? बात आपको समझ में आ गई तो हम समझा रहे हैं, तो सर समझा रहे हैं। और उनको काउंसलिंग करते हुए इस विवाह को रोका गया। हमारे और एसडीपीओ साहब के द्वारा दोनों पार्टी को आज बुलाया गया, उनको समझाया गया कि पुनः इसको नहीं किया जाए और दोनों से लिखित में लिया गया ये लोग जब तक उनकी उम्र नहीं हो जाएगी 18 साल लड़की की और 21 साल लड़का की, वो लोग शादी नहीं करेंगे। ये बिहार सरकार का भी इसमें काफ़ी जोर रहा है कि बाल विवाह को रोके, बच्चा बच्ची दोनों शिक्षित हो, समाज को आगे बढ़ाएं और देश और बिहार की उन्नति। कहाँ के रहने वाले थे सर? लड़की थी पाली थाना के अंदर गोमा गांव की और लड़का है कल्पा ओपी के।